आप कहाँ भी रहिए, नौकरी कीजिए, ठाकुर जी का भजन कीजिए और वेजिटेरियन बनिए। हम इतना भी कम से कम, कभी मांस मछली नहीं खाना है, शराब नहीं पीना, जीवन बर्बाद मत कीजिए। अभी इतना खराब हो गया है परिवेश, आप अगर कृष्ण को पकड़ कर रहेंगे ना तो जीवन में सब कुछ भगवान दे देंगे। जगन्नाथ जी को भजन कीजिए, जहाँ भी जाते हैं आप जगन्नाथ देश का लोग हैं, जगन्नाथ जी का फोटो पास में रखिए, प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए। ये हमारे टीचिंग्स है। हम आपको फोर्स नहीं करता हूँ आप सब लोग साधु बन जाइए, साधु बनना ये आप ऑप्शनल है। किसका भोग कामना नहीं है संसार में, उनका इच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं। साधु जीवन एक ऐसा जीवन है 50% प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम, और गृहस्थ जीवन में 100% प्रॉब्लम, आपका 50 और पत्रिका 50। जब अकेले आप रहेंगे तो आपका 50 है, आपका 50 आपको आप समाधान कर देंगे, क्योंकि आपका पास थोड़ा, हम लोग का पास क्या है, माली है, लगेज है, हमको निकाल लेंगे तो हम पकड़ कर चले जाएंगे वृंदावन। आप कहाँ जाएंगे पत्नी को लेकर, बच्चा को लेकर? भगवान को पकड़ कर, आप चाहे ब्रह्मचारी बने चाहे गृहस्थ बने, ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ना, जगन्नाथ को कभी नहीं छोड़ना, यही शिक्षा है। आप कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है स्पिरिचुअलिटी में। आप ठाकुर जी के लिए कुछ भी समय देते हैं ना, आप माइंड कितना साइंस है, देखिए आप जब कर लीजिए ना मन शांत हो जाता है, भगवान का काम करता है ना मन शांत हो जाता है। आप अगर इतना नहीं करेंगे तो किताब पकड़ कर रहेंगे और व्हाट्सएप में जो मैसेज आ रहा है ना, 2 मिनट के बाद इसको पिंचिंग करते हैं, क्या कोई मैसेज आ गया? तो मन कहाँ है, पढ़ाई 2 घंटा में है, मन तो 10 मिनट भी पढ़ाई में नहीं लगा, मन इधर उधर चला है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या करता है, बोल माइंड को कंसंट्रेशन देता है। इसलिए आप जो छोटे बच्चे थे ना, हम कभी भी किताब खोलते हैं ना पहले प्रार्थना बोलते हैं, हमारे टीचर बोलते हैं तो प्रार्थना करो, कोचिंग में हम जाते हैं प्रार्थना करो, पहले प्रार्थना करते हैं उसके बाद किताब खोलते। क्या प्रार्थना करने का जरूरत है, मन को संयम करना। और जो व्हाट्सअप फेसबुक ये सब है ना आप लोग का पास, आपकी भलाई के लिए मैं बोलता हूँ, बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज कीजिए, कम समय के लिए फिक्स टाइम कर दीजिए, क्योंकि इसमें समय खींच लेता है, आपको पढ़ाई करना है, पिताजी इतना पैसा दे रहे हैं, आप अच्छा आदमी बनिए। जीना हमको है, संसार में जीना है, लेकिन मुझे कोई नहीं बोलना चाहिए कि मैं गंदा आदमी हूं, इतना बनो तो अभिमान से सही आदमी बनकर बनो, जियो, कोई नहीं बोलना है आपको। अगर कोई बुरा बोलेगा तो आपका पिताजी का नाम पड़ेगा, देश का नाम पड़ेगा। एक अच्छा आदमी बनो, यही टीचिंग हम लोग का है। ये बाबा जी आप मत सोचिए बाबा जी पर बोल रहे हैं, नहीं, सही आदमी बनिए, जीना है तो आदमी होकर जिए। प्रभुपद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं प्रभु जी, कोई सन्यासी है वो भंड है, इसे बेटर कौन है, ये स्वीपर है, ये अनेस्ट स्वीपर है, झाड़ूदार हमको बनना है लेकिन सही आदमी बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है लेकिन करप्ट ऑफिसर नहीं बनना है। देखिए ना, बड़ा बड़ा ऑफिसर वो सीबीआई पीछे में लगता है, जेल में जाते हैं, क्या है, मर जाना अच्छा है भाई, तो मर जा, पिताजी का नाम आ रहा है पैसा के लिए, हमको अधम नहीं बनना है, कलयुग में प्राय अधम है। आपको पता है एक नीति में बोलकर मैं विश्राम दूंगा, टाइम हो गया है। अधमा धनम इच्छन्ति धनमान च मध्यमा उत्तम मानम इच्छन्ति मानो ही मत धनम। इस संसार में सबसे बड़ा धन कौन है पता है, जो अधम होता है सिर्फ धन, अधमा धनम इच्छन्ति, जो मध्यम सेकंड क्लास होते हैं धन मान च मध्यमा। आप एटलीस्ट सेकंड क्लास बनिए, मैं धन कमाऊंगा लेकिन इज्जत से, मैं इज्जतदार आदमी बनूंगा, धन मान च मध्यमा। लेकिन फर्स्ट क्लास कौन है, उत्तम मानम इच्छन्ति, पैसा नहीं है लेकिन मैं ईमानदार आदमी, भीख मांगूंगा तो ईमानदार भिखमंगा बनूंगा, ईमानदार आदमी बनना है, करप्टेड आदमी हमको नहीं बनना है, कोई नहीं बोलना चाहिए गंदा आदमी है। हमारे ओरिया में कहावत है ना, किसको आपको कोई अंगूठी दिखाया था ना, इसका मतलब क्या है, आप बुरा आदमी हो गए, आपको देखकर हाथ जोड़ना चाहिए, अंगूठी नहीं दिखाना चाहिए, अंगूठी दिखाते मतलब दोष, हाथ जोड़ते मतलब गुण। इसलिए हमारा टीचिंग सही है, कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। गीता पढ़ते कि नहीं, आप लोग को मेरा विनती है, आप गीता पढ़ने के लिए 5 मिनट समय लगता है, ये कोई लस नहीं है, स्पिरिचुअल कभी लस नहीं है, लेजीनेस मत कीजिए,
प्रैक्टिकल आप कुछ भी इसको इन्वॉल्वमेंट दीजिए, दो चार माला कीजिए, गीता पढ़िए 5 मिनट, उसके बाद आपका पढ़ाई कीजिए, अच्छा आदमी बनिए, अच्छा आदमी बनिए। ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग से, प्रभु जी से, तुकाराम प्रभु जी, आप लोग सब मिलजुल कर अच्छा भक्त बनिए, भगवान भजन कीजिए। आप ये मैसेज को डालना है दुनिया में। आप देखिए आपका फ्रेंड लोग कितना गंदे रास्ता पर है, उनको सुधारने वाले कौन है? टीचर सुधारेंगे, आप लोग सुधारिए, मदद कीजिए उन लोग को उनका जीवन में, यही इसका ना, इसका कुछ नहीं है, आदमी बनाना है हमको। प्रभुपद ने हमको सिखाए आदमी बनाओ, आदमी बनाओ, ये पशु को आदमी बनाओ, पशु से भी खतरनाक हो गए आदमी। जब तक किसी का अगर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड नहीं है ना, पशु से भी गिरा हुआ है। पशु मांस भोजन करता है, शराब नहीं पीता है। आदमी मांस भोजन करता है, शराब पीता है और सिगरेट चला देता है और ब्राउन शुगर खा लेता है। आदमी हो भाई, कौन उनको सहायता करेगा? आप लोग करेंगे, आप एजुकेटेड है, आप यंग लोग है, आप जाइए मैसेज डालिए दुनिया में। भाई तुम कम से कम जगन्नाथ जी को 2 बार प्रार्थना करो, गीता पढ़ो, 1-2 माला जप करो, पैसा कमाओ, मांस मछलियां मत खाओ, शराब मत पियो, अच्छा आदमी बनो, ये मैसेज आपको डालना, ये आपका ऊपर जिम्मेदारी। इसलिए प्रभुपद ने एक इसके अंदर तय किए। ठीक है, आप लोग सब बहुत डिसिप्लिन में रहिए और आपका जीवन आगे बढ़ाइए। हरे कृष्ण, प्रभुपद जी आपको बहुत कृपा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण।